नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSET की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की यह क्लास सामान्य अध्ययन में खेल से संबंधित है और आज की इस क्लास में हम बहुत ज़्यादा टफ प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इस क्लास का लक्ष्य है कि आप 50 में से 50 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और मिशन जूनियर असिस्टेंट पर लग जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, यह आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाला पुरस्कार नहीं है? दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कार कौन कौन से हैं? राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, ये भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार, ये भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाता है। तो यहां से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जी बिल्कुल ठीक है, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न यार आपके सामने, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, जो भी कह रहे हैं कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न यार आपके सामने, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बिल्कुल जल्दी से बताइए वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। क्रिकेट और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बिल्कुल ठीक है, 11-11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट और हॉकी में। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, और अगर हम जिम्नास्टिक की बात करें तो उसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न देख लेते हैं यार आपके सामने, रोवर्स कब संबंधित है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहां से बिल्कुल ठीक है, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है फुटबॉल से, तो बिल्कुल ठीक है, रोवर्स कब जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों, और कौन कौन से ऐसे कप है जो फुटबॉल से संबंधित है? तो फुटबॉल का सबसे बड़ा कप जो है फीफा कप, उसके अलावा कोपा कप, अमेरिका रूस कप, यूरोपियन चैंपियनशिप कप, विनर्स कप, प्रेसिडेंट कप, किंग्स कप और डूरंड कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, सुश्री भाग्यश्री थिपसे का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए शतरंज से इसका संबंध है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने, सर्वाधिक लोकप्रिय खेल सामग्री कहाँ से आती है? तो चारों शहरों के नाम आपके सामने दे रखे हैं, तो दोस्तों जल्दी से चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, जालंधर से, यहां से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय खेल सामग्री जालंधर, जो कि पंजाब प्रांत में है, से आती है। और लुधियाना की बात करें तो लुधियाना से हौजरी का सामान आता है, ठीक है। आगरा की बात करें तो आगरा जो है वो चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, यह आपके सामने, केरी पैकर जिसे चालू एक दिवसीय क्रिकेट का उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है, वह किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो जल्दी से चारों ऑप्शन पर विचार कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, केरी पैकर ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने, जो रूट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जो भी क्रिकेट के शौकीन लोग हैं उन्हें बिल्कुल याद आ गया होगा कि जो रूट इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज थे और जिन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत कब की थी, 13 दिसंबर 2012 में की थी। और ये कैसे, राइट हैंड थे या लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे? तो इसका ऑप्शन जो है, उत्तर जो है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल यहां से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न देख लेते हैं, ये आपके सामने, पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से बताइए चारों ऑप्शन पर विचार करके कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, पारसी क्लब की स्थापना से क्रिकेट की परंपरा प्रारंभ हुई है। चलिए दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न देख लेते हैं, ग्यारह, सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है 1994 में सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल ठीक उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार कीजिए और बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक, लॉर्ड्स का मैदान जो है वो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न,
फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया है? फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हो, 1896 एथेंस ओलंपिक से फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना फैजाबाद के डाभासेमर में की गई। तो यहां से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, होल्डर ट्रॉफी का किससे संबंध है? कौन सा ऐसा खेल है जिसका संबंध होल्डर होलकर ट्रॉफी से? तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी ब्रिज से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह रहा आपके सामने। बोनस लाइन निम्न में से किस खेल में अंकित होती है? तो बिल्कुल ठीक है, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहां से सी आ रहा है, कबड्डी से इसका संबंध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह रहा आपके सामने। किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाव जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, मलखंब नामक खेल के लिए प्रभाव जोशी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो दोस्तों वॉलीबॉल के खेल में पिछली पंक्ति के खिलाड़ियों के लिए लिब्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यह आपके सामने, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो बिल्कुल ठीक है, खो खो खेल में 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, जबकि 11 खिलाड़ी क्रिकेट और हॉकी में होते हैं, 7 खिलाड़ी जो है कबड्डी और वाटर पोलो में होते हैं। तो यहां से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध जो है वो किस खेल से है? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए तैराकी से बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? दोस्तों देखने से तो यह प्रश्न आसान लगता है, मगर कई बार इसी प्रश्न को कई सारे अभ्यर्थी गलत करके आ जाते हैं, तो मगर आपसे यह प्रश्न गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, 8 × 8, तो यहां से आपका ऑप्शन क्या है, बी का 64 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्रिकेट की एक गेंद का औसतन कितना वजन होता है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से प्रश्न को ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट की एक गेंद का वजन 155 से 168 ग्राम तक होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह आपके सामने, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक है, सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, जी हाँ इंडोर स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से देखिए, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है और इसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स से संबंधित है ये, ठीक है। तो यहां से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गांधी इंदौर इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं यार आपके सामने, इंडियन ग्रीन संबंधित है? तो बिल्कुल ठीक है, इंडियन ग्रीन जो है रणजी ट्रॉफी से संबंधित है, और रणजी ट्रॉफी के अंतर्गत 3 टीमें इंडियन ब्लू इंडियन रेड एवं इंडियन ग्रीन आती हैं। तो यहां से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं यार आपके सामने, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद में स्थित है ये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी तैराकी की शैली है? तैराकी की शैली नहीं है, तो दोस्तों जल्दी से बताइए, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, फ्रंट स्ट्रोक जो है तैराकी की शैली नहीं है, तो यहां से आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं यार आपके सामने, उबेर
कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कुबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल ठीक, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है, बैडमिंटन से संबंधित है, वो बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी इनमें से कौन सा है? बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। यहां से जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है, थॉमस कप, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उबेर कप जो है वो महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं यार आपके सामने, थर्ड मैन कहाँ रखा जाता है? हाँ जी, जो भी क्रिकेट के शौकीन है उनका इस उत्तर से बिल्कुल ठीक है, सीधा संबंध है जी, बिल्कुल ठीक है, स्लिप एवं गली के पीछे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल ठीक है, 8 गज की दूरी से मारा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जी हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, क्रिकेट में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वह कौन सा खेल है जिससे विश्वनाथन आनंद विख्यात है? जी दोस्तों आप सब जानते होंगे विश्वनाथन आनंद जो है वो किस खेल के लिए विश्व विख्यात है? तो बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, शतरंज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? जी दोस्तों ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, टेनिस से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इजी भी है, बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर यहां से बिल्कुल ठीक आ रहा है, ऑप्शन ए ध्यानचंद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, भारत ने हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण कब जीता है? जी हाँ दोस्तों खेल हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, जिनका भी उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है, 1928 में। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी यहां से सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में इनमें से कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना है, तो ठीक है, क्रिकेट जो है वो ओलंपिक में नहीं खेला जाता है, वरना हमारे पास एक और ओलंपिक स्वर्ण पदक जरूर आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, फुटबॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा नाम जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन पे विचार कीजिए और बताइए कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है, डोरंट कप, वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा दोस्तों थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप किससे? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। डेविस कप की बात करें तो डेविस कप किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है। और जो है रणजी ट्रॉफी जो है वो किसके? क्रिकेट से जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, पहले ओलंपिक खेल किस वर्ष में प्रारंभ हुए थे? तो दोस्तों जी हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए 1896, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों आपकी रणजी ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, और यहां से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं ये आपके सामने, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था? जी हाँ दोस्तों प्रथम एशियाई खेल कब से कब हुए थे? 4 से 11 मार्च 1951 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो यहां से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ये आपके सामने, भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है? हाँ जी दोस्तों चारों ऑप्शन विचार कीजिए और जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल ठीक है, केरल में नौकायन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जिसका नाम क्या है? ओणम के लिए, ओणम के दिन पर आयोजित की जाती है। तो यहां से आपका ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, तो हम दोस्तों पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि संतोष ट्रॉफी किससे? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं यार आपके सामने, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? हाँ कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, क्रिकेट के शौकीन जो है वो मुस्कुरा रहे होंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका संबंध जो है वो क्रिकेट
क्रिकेट से है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यार आपके सामने, क्यू किस खेल से संबंधित है? हाँ जी दोस्तों बिल्कुल आपने सही सुना है, क्यू जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो बिल्कुल ठीक है, क्यू शब्द जो है वो बिलियर्ड से संबंधित है, तो यहां से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, सचिन ने निम्नलिखित टीम में से किसके विरुद्ध 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया था? जी दोस्तों चारों टीमें आपके सामने दे रखी है कि कौन सी ऐसी टीम है। तो सचिन ने अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। जी हाँ दोस्तों, तो यहां से आपका ऑप्शन डी जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ये देख लेते हैं, पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो दोस्तों जल्दी से बताइए पहले कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? तो बिल्कुल ठीक है, पहले कॉमनवेल्थ गेम जो है सन 1930 में हैमिल्टन में हुए थे। ठीक है, तो यहां से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बिल्कुल ठीक है, गैम्बिट शब्द शतरंज अर्थात चेस के खेल से संबंधित है, तो यहां से आपका ऑप्शन बी जो बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, इस प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। बिल्कुल ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप आइस हॉकी से संबंधित है, तो यहां से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हॉकी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? जी हाँ दोस्तों, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो बिल्कुल ठीक है, जिनका भी ऑप्शन पोलो आ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।